हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद ममता। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे एकदम तीखी और खट्टी चटनी वाली आलू और मटर की देसी चाट, जो कि बहुत टेस्टी लगती है और ये इतनी चटपटी होती है ना कि सच में इसे खाकर ना आपका मन बिल्कुल खुश हो जाएगा। और ये अक्सर गांव के मेलों में मिलती है, तो अगर आप गांव के मेलों की चाट को मिस कर रहे हैं तब आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और अभी लॉकडाउन के टाइम पर बाहर का कुछ नहीं मिल रहा है, तब आप ये चटपटी सी चाट बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं, सच में बहुत टेस्टी होती है, घर के सब लोग बहुत खुश होंगे और आपको भी ये बहुत अच्छी लगेगी, तो एक बार जरूर ट्राई करिए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज को एंजॉय कर सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो चाट बनाने के लिए यहाँ पर ये मैंने सफ़ेद मटर, एक कटोरी सफ़ेद मटर को 4 से 5 घंटे पहले ये भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मटर अच्छे से फूल चुकी है। आप 4 घंटे पहले मटर को भिगो कर रख दीजिए और उसके बाद अब हम इसे रख देंगे बॉईल होने के लिए। तो बॉईल करते समय हमें इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालनी है। नमक स्वाद के अनुसार डालें, क्योंकि नमक अभी हम आलू में भी डालेंगे, चटनी में भी डालेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हल्दी डालकर इसे हम बॉईल कर लेंगे और ये 2 या 3 सीटी में पक जाती है, लेकिन अगर नहीं पक रही है तो आप इसमें 1-2 सीटी और लगा दें। मटर पक रही है, तब तक इधर हम अपने चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इमली को भी मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था, आप थोड़ा और पहले भिगोइए, क्योंकि देखिए अभी अंदर तक फूली नहीं है इमली अच्छे से। और इसे अब हम मैश कर लेंगे। मैश करके इसके बीज वगैरह हम निकाल देंगे। एक बड़े बाउल में देखिए ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, उसमें मैश करके नहीं बन रहा है। ये देखिए इसे हाथों से इस तरीके से हम मैश कर लेंगे और मैश करके इसके जो बीज होंगे, गूदा होगा इसका, वो हम निकाल लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा पतला करके छन्नी से छान भी सकते हैं, मैंने इस तरीके से निकाला है। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से इसके गूदा निकाल लिया है। और अब इसमें हम डाल देंगे 5 से 6 चम्मच गुड़ ग्रेट किया हुआ, ये देखिए। और इसमें डाल देंगे बिल्कुल 1 चुटकी नमक, थोड़ा सा इसका खट्टापन एडजस्ट करने के लिए। और इसमें डाल देंगे हम 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और ये भुनी हुई धनिया का पाउडर है, और 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए ये चटनी बन गई है, इसे साइड में रख देंगे और दूसरी खट्टी चटनी बना लेंगे। ये मीठी चटनी हो गई खट्टी चटनी। तो खट्टी चटनी के लिए यहाँ पर ये मैंने खटाई भिगो दिया था, इसको भी मैंने 1/2 घंटे पहले भिगोया था। अगर आपके पास खटाई नहीं है तब आप धनिया और नींबू की चटनी भी बना सकते हैं या दही की चटनी भी बना सकते हैं खट्टी, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर ये देखिए खटाई से इस तरीके से हम ऊपर का इसका गूदा निकाल लेंगे और जो नीचे खटाई का ये पार्ट है इसे हम हटा देंगे, क्योंकि ये पिसता नहीं है। तो ये देखिए सारा गूदा हमने इस तरीके से निकाल लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता और 2 हरी मिर्ची और 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल के इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए चटनी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर ये देखिए मीठी चटनी भी तैयार है इमली की और ये खट्टी चटनी, दोनों चटनियाँ तैयार हो गई हैं। अब चलिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम बनाएंगे उसके चाट के लिए पानी। तो यहाँ पर ये मेरे पास जलजीरा पाउडर है, इसे ले लेंगे हम 2 बड़े चम्मच। और इसे थोड़ा सा पानी डालकर हम घोल लेंगे।
और अब इसे हम यहाँ पर भगोने में, एक मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है उसमें ये जलजीरा वाला पानी हम छान लेंगे, जिससे इसमें जो थोड़ी बहुत गंदगी हो वो निकल जाए। ये देखिए, और अब इसमें हम ये डाल देंगे 1 नींबू का रस, और इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें डाल देंगे चाट मसाला, 1/2 चम्मच डाल देंगे काला नमक, और थोड़ा सा डाल देंगे सफेद वाला नमक भी, और इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से चेक कर लें कि पानी में नमक ठीक है, अगर नमक कम लग रहा हो तो थोड़ा और डाल दें, और फिर हम इसे साइड रख लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, अब हमारी मटर भी बॉईल हो चुकी है। देख लेते हैं मटर अच्छे से पकी है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मटर अच्छे से पक गई है, और इसे भी हम साइड में रख लेंगे। और यहाँ पर ये मैंने मटर बॉईल करने से पहले ही 8 आलूओं को बॉईल कर लिया था, और उन्हें मैंने यहाँ पर ये कद्दूकस कर लिया है। तो आप भी इसे पहले से ही कद्दूकस करके रख लें। तो यहाँ पर अब हम चाट बनाने के लिए गैस पर चढ़ा देंगे कढ़ाई, और उसमें डाल देंगे 2 चम्मच सरसों का तेल, और जब तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, और 1 बारीक कटी प्याज, और 1 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटी प्याज, और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हमें प्याज को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसे सॉटे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज हल्की हल्की पिंक कलर की हो गई है। और अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो मसालों में यहाँ मैं 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, और इन्हें मिक्स कर दूंगी। और अब मैं इसमें डाल दूंगी कद्दूकस किया हुआ आलू, और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर मैं नमक डालना भूल गई हूँ, तो यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। और नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि नमक हमने मटर में भी डाला है, चटनी में भी डाला है, पानी में भी डाला है, तो आलू के अकॉर्डिंग ही नमक इसमें डालिएगा। जितनी आलू है उसी अकॉर्डिंग नमक डालिएगा, क्योंकि और सब चीज़ों में नमक है। तो यहाँ पर ये देखिए, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें जितनी हमने आलू डाली थी उतनी ही मटर भी डाल देंगे जो बॉयल करके रखी थी, और इसे मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम ये 1/2 गिलास के बराबर डाल देंगे वो जो पानी बनाया था हमने, पानी पूरी वाला पानी है वो डाल देंगे। उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एकदम खट्टा तीखा सा टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप चाहें तो ये आप पानी वाला स्किप भी कर सकते हैं, खाली मटर डालकर ही इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन पानी डालने से बिल्कुल वो देसी चाट बन जाती है, बिल्कुल बहुत टेस्टी लगती है। तो पानी थोड़ा कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है, और अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे 5 से 6 मिनट लगातार चलाते हुए अच्छे से पका लिया है, देखिए। और इसमें अब हम डाल देंगे बारीक कटे धनिया पत्ते, और मिक्स कर देंगे इसे। बहुत सारी जगहों पे ऐसे इससे भी थोड़ा सा और गीला ही चाट मिलता है, और बहुत सारी जगहों पे थोड़ा सा इसे सूखा कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा और पका लेंगे। तो आप जिस तरह खाने चाहें आप बना सकते हैं, मैं थोड़ा सा गीला ही रखूँगी इसे। तो यहाँ पर गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक सर्विंग प्लेट, और इसमें निकाल लेंगे ये चाट। बहुत टेस्टी चाट बनी थी, सच बता रही हूँ, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे ऊपर से ये जो इमली की हमने चटनी बताई थी मीठी, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको ज़्यादा पसंद हो, मीठी ज़्यादा पसंद हो मीठी ज़्यादा डालें, या खट्टी ज़्यादा पसंद हो खट्टी ज़्यादा डालें, खट्टी चटनी डाल देंगे।
और प्याज डाल देंगे इसमें बारीक कटे। हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। और अब मैं इस पे थोड़ी सी ये नमकीन डाल दे रही हूँ। वैसे तो जो चाट वाले होते हैं ना, चाट वाले भैया, वो इस पे पानी पूरी क्रश करके डालते हैं, लेकिन मेरे पास तो वो है नहीं, तो मैं यहाँ पर ये नमकीन डाल दे रही हूँ। तो देखा ना आपने कि चाट बनकर हमारी तैयार है और बहुत टेस्टी चाट है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।